मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको जान के आशा हर्ष हो रहा होगा कि आज जो है अपना फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का बिहाइव का वो समाप्त हुआ। आज हम सेकंड पार्ट, इसका नाम, बुक का नाम है मूमेंट्स, ये शुरू करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। फर्स्ट है लेसन द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुकुल राज आनंद। तो शुरू करते हैं पहला लेसन। बच्चों, आपको मैं ये दिखा दूं कि मूवमेंट्स की जो बुक है वो ये वाली है, आप यही लेंगे और इसी से आप पढ़ेंगे। अब इसमें कंटेंट्स भी देख लें। फर्स्ट कंटेंट्स है, कंटेंट्स का मतलब होता है आपके जो लेसन है उसमें वो कितने हैं। फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, मुकुल राज आनंद ने लिखी है। सेकेंड द एडवेंचर ऑफ टोटो, रश्किन बॉन्ड ने लिखी है। थर्ड है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये लिखी है आर के लक्ष्मण ने। फोर्थ इन द किंगडम ऑफ फूल्स, लिखी है कन्नड़ फोक्टे। फाइव लेसन का नाम है द हैप्पी प्रिंसेस, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। फिर है वेथरिंग द स्टॉर्म इन इरास्मो, ये लिखी है हर्ष पेंडर ने। नेक्स्ट द लास्ट लीफ ओ हैरी, इसके राइटर है। नेक्स्ट लेसन एट, अ हाउस इज नॉट अ होम, इसके राइटर है जैन कुडेसो। एल नाइन द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये इसके राइटर है बिल रोजन। एल टेन द बैगर, एंटोन चेकोव ने ये लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके एल टेन लेसन, ठीक है, पूरे आपको पढ़ना है, इसमें कोई भी पाठ्यक्रम कम नहीं है। मूमेंट्स में लेसन वन है द लॉस्ट चाइल्ड, एक स्टोरी है इसमें कि एक छोटा बच्चा रहता है, वो भीड़ में अपने माँ बाप के साथ जाता है और तरह तरह की चीजें जो है उसको पसंद आती है, लेकिन उसके माँ बाप इतने पुअर रहते हैं कि वो उसको सामान दिला नहीं पाते, तो वो बच्चा क्या करता है, भीड़ में खो जाता है। उसके माँ बाप बहुत हैरान होते हैं कि अब मेरा बच्चा कहाँ से आएगा। तो ये इस लेसन पे आधारित है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन दिस वे फॉर द फेयर, व्हाई डज द ही लैग बिहाइंड। जो छोटा बच्चा है वो मेले में, फेयर मतलब होता है मेला, मेले में क्या होता है, वो क्या देखता है, कौन सी चीजें देखता है, उसका मन जो है वो प्रभावित होता है। द चाइल्ड सीज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, मेरे में वो ये सारी चीजें देखता है। फर्स्टली ही सॉ टॉय लाइन अप अ शॉप, बहुत शॉप की जो दुकान है और जो खिलौनों की दुकान है वो देखता है। देन ही सॉ अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड सीम्ड लाइक गोल्ड। थर्ड इन द फील्ड चाइल्ड ऑल्सो सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज बटरफ्लाइज फ्लर्टिंग दैट विंग्स एंड बीस सकी नेक्टर, मींस वो बटरफ्लाई को देखता है उड़ते हुए, तितलियों को देखता है वहां मेले में। देन व्हाइल वॉकिंग ऑन फुटपाथ ही सा इंसेक्ट्स एंड द वर्म्स क्रॉलिंग, बहुत सारे क्रिमीज को देखता है वो। फिर व्हेन ही एंटर्ड द ग्रोव ही कुड हियर ही सी डव्स कम, एज ही नियर द विलेज ही सा हंग टोड गोइंग द फ्लो। द चाइल्ड आल्सो कम अक्रॉस स्वीट मीट सेलर स्वीट लाइक बर्फी एंड गुलाब जामुन एंड ए फ्लोवर सेलर हु वाज सेलिंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वह मिठाइयों की दुकान में बहुत सारी गुलाब जामुन और बर्फी को देखता है कि वो मुझे खाने मिले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। फर्दर अहेड ही सा अ मैन सेलिंग रेनबो कलर बलून्स, वो इंद्रधनुष के बहुत सारे जो है बलून वो भी देखता है। ही ऑल्सो सॉ अ स्नेक चार्मर Number two,
सही है. For he wants many things. What are their way? Why does he move on without waiting for an answer? मेले में वो बहुत सारी चीजों को देखता है. तो उसके मन में क्या आता है? The giant many things in fair. They are toys and balloons, sweet as buffy, Tom, sweet meat, garland for bullmore flowers. फूलों को दिखता, attracted by a snake charmer by fruit a snake, a ride in the land of swing. The boy moved on without waiting for an answer because he knew that his parents would not fulfill his request and would be denied at each stop. उसके बाद वो क्या करता है? वो वेट करता है अपने पेरेंट्स का. क्वेश्चन नंबर 3. When does he realize that he has lost his way? How has the anxiety and insecurity been described? He stopped at a roundabout and wants to swing on a ride. He observed it swinging. The big man, women and children enjoy that themselves can't eat it. Suddenly released as his lost his way. Watching, feeling it, turned on his parents who asked the permission to go on a round, but there was no reply from them. That it went and realized that they were not there. He looked all around, but there was no sign of them. Tears rolled down from his eyes and started running in all directions, looking for his parents. His yellow turban was untied and his clothes became untied. He was struggling and he scared by the looks of him, of the of him. Question number 5. What do you think happened in the end? Does the child find his parents? आप इस जो मेले में जो बच्चा घूमा था उसकी क्या एंडिंग देखना चाहोगे और इसके माता पिता हैं इससे आप क्या आशा रखेंगे? आंसर: द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज ओपन फॉर अस टू डिसाइड. एट द एंड द पेरेंट्स हु कंसल्टेड मेक श्योर दैट विद द टाइम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी हैव सडनली रियलाइज्ड दैट ही वाज मिसिंग एंड कम लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड. द हेल्पफुल मैन हु tried to console the little boy of offering him various things at a fair may have also asked him for the description of his parents. He hugged him to be reunited with them at a fair receptions. Question number 4. Why does the lost child lose interest in the thing that he had won earlier? Answer: the lost child loses interest in all things that he had won earlier because he was frightened to be separated from his parents in the crowd. His aim was to find to be them all the things that fascinated him. If they were no longer attracting him, and now the only things of matters is finding his parents. इसके difficult words meaning? Displayed. Displayed मतलब shown, दिखाए गए. Emerge, come out, निकल बाहर निकलना. Played, क्लोथ कपड़े पहने. Humanity यानी मानव जाति. Brimming मतलब फुल लबालब भरा हुआ. फिर fascinated means attracted यानी आकर्षित होना. Lingering, behind पीछे रहा. फिर है receding, ओझल होते हुए यानी अदृश्य होते हुए. Stare, gaze यानी दूर कर देखना. Pedant, request प्रार्थना करते हुए. Tyrant यानी cruel निर्दयी होता है. Tender यानी soft यानी कोमल. Teeming यानी full of भरी हुई. Grave यानी होता है वृक्षों का एक झुंड. Petals, part of flowers फूल की पंखुड़ियां कहलाती हैं. Architecture यानी art of designing वास्तुकला होता है. Murmur यानी होता है धीमी आवाजें बढ़ाना. फिर heap यानी ढेर होता है. ओवर के यानी ग्रेटली होता है. रिपलिंग होता है मूवी. फेलिंग ऑफ वाटर यानी पानी का बहना. आज आपने लेसन वन मूवमेंट्स का लेसन वन की क्वेश्चन आंसर के बारे में अध्ययन किया. आप इसको नोटबुक में एक अलग से आप नोटबुक बनाएं, आप उसको अलग से लिखें, ठीक है? लेसन और लर्न स्पेलिंग ऑल्सो और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग सारे आपको मेंशन करना है. स्पेलिंग का ध्यान रखना.